नमस्कार, गुड डे। मैं डॉक्टर संजय गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल्स गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की, गुर्दे में पैदा होने वाली पथरियों की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बीमारी ऐसी है जो कि किसी को भी किसी वक्त भी और किसी भी उम्र में हो सकती है, और ख़ास तौर से उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। डिस्कशन का मुख्य विषय रहेगा इसके कारण, किस कारण से ये किडनी स्टोन बनते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट। और मैं विशेष रूप से कुछ बताना चाहूँगा जो इसके बारे में इससे भ्रांति जुड़ी हुई है, यानी कि मिथ। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके मुख्य कारणों की वजह से। जैसे देखा गया है कि किडनी स्टोन हमारे किसी भी उम्र में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनमें पाए जाते हैं जिनका पानी का सेवन कम होता है। अगर कुछ लोग पानी की मात्रा नहीं लेते हैं या प्रॉपर इंटरवल पर नहीं लेते हैं तो वो उनके अंदर किडनी स्टोन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक हेरिडिटी भी है, यानी कि फैमिली ट्रांसमिशन भी होता है। ये देखा गया है कि अगर घर में किसी को, पेरेंट्स में स्पेशली, अगर फैमिली हिस्ट्री हो स्टोन्स की, तो बच्चों में भी संभावना रहती है कि वो उनके अंदर किडनी स्टोन्स बनेंगे। बाकी ये जो सब हिमालयन जोन है, इसमें मुख्य रूप से ये देखा गया है कि किडनी स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अब बात आती है कि जब किडनी स्टोन बनते हैं तो किस प्रकार के हो सकते हैं। ज़्यादातर इंडिया में, भारत में जो किडनी स्टोन्स हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ये सबसे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, 90% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। बाकी स्टोन्स भी हो सकते हैं, जैसे अमोनियम स्टोन, फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन्स। जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं ये हार्ड स्टोन्स होते हैं और ये अपने आप से बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे गल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर इसमें यूरेट कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो स्टोन्स ऐसे होते हैं जो डिजॉल्व भी हो सकते हैं, दवाइयों से गला सकते हैं हम उन्हें। अब इनके लक्षण, जब किडनी स्टोन होता है तो ये उस समय तंग करता है जब ये किडनी से निकल के जो अंदर की एक नली होती है जिससे पेशाब किडनी से ब्लैडर में जाता है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, अगर ये स्टोन उसमें फंस जाए उस समय किडनी स्टोन हमें तंग करता है। और क्या तंग कर सकता है, इसके मुख्य लक्षण है पेन होना। जो ये पेन होता है हमारे बाएं या दाएं साइड में, यानी कि फ्लैंक्स में ये दर्द होगा, जो कि दर्द कमर से उठ के हमारे गुप्तांगों की तरफ जाएगा। इस दर्द के साथ साथ में हमें उल्टी जैसा या उल्टी भी आ सकती है। बुखार तब होता है जब किडनी स्टोन के साथ में इन्फेक्शन हो जाए, जो किडनी में या यूरिन इन्फेक्शन से ग्रसित हो तो बुखार भी कर सकती है। एक और लक्षण होता है यूरिन में ब्लड आना, हिमेचूरिया। जब स्टोन अपनी जगह छोड़ता है और अंदर की सतह को रगड़ करता है तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है और जो पेशाब में लाल रंग यानी कि ब्लड का असर दे सकती है। ये तो थे मुख्य इसके लक्षण। अब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जब हमें कभी भी ऐसा कोई लक्षण आए, जैसे दर्द हो, यूरिन में ब्लड आए, बुखार हो या उल्टी लगे साथ में, तो हमें तुरंत ही एक डॉक्टर से या मेडिकल राय लेनी चाहिए। और इसके लक्षण के आधार पर कुछ इसके बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि खून की जांच करना, पेशाब की जांच करना और अल्ट्रासाउंड करना। अल्ट्रासाउंड एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उससे हमें पता पड़ जाता है कि क्या संभावना है किडनी में स्टोन होने की और वो इस समय कुछ तंग कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ साइलेंट स्टोन्स भी होते हैं जो किडनी के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। जब तक अगर वो रास्ते में नली में ना फंसे या इन्फेक्शन ना करें, वो ज़्यादातर कोई लक्षण नहीं देते हैं। लेकिन साइलेंट स्टोन को भी कई बार ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े होकर किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर हमें अल्ट्रासाउंड से पता पड़ जाता है कि भाई स्टोन कहाँ पर है और किस जगह और कितना नुकसान वो किडनी को कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर वो नली के अंदर फंसा हो तो अल्ट्रासाउंड से वो पिक नहीं हो पाता है। ऐसी संभावना करीबन 10-15% होती है। फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में सीटी स्कैन एक बहुत अच्छी पद्धति है, जिससे हम नियरली 99.9% किडनी स्टोन्स के बारे में पता कर सकते हैं। अब पता करने के बाद में आगे क्या करना चाहिए। अगर स्टोन छोटा है, जैसे कि लेस देन 5 मिलीमीटर, और नली में फंसा हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा, बुखार नहीं है, बार बार पेशाब में कोई इन्फेक्शन ब्लड नहीं आ रहा, फिर भी हम उसको कंजर्वेटिव यानी कि दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं और एक मियाद के अंदर, 10-15 दिन के अंदर कोशिश करते हैं कि ये स्टोन दवाइयों से निकल जाए। लेकिन अगर स्टोन साइज़ बड़ा है, किडनी पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, यूरिन में ब्लड आया या बुखार हो गया, या ऐसा लग रहा है कि वो किडनी अपनी कार्य क्षमता को लॉस कर रही है, तो उस कंडीशन में हम वेट नहीं करते हैं और कोशिश ये रहती है कि किसी भी पद्धति से, जो मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, उससे हम उस स्टोन को निकालें। अगर स्टोन किडनी के निकल के नली में फंस गया है तो उसको हम दूरबीन विधि से, बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी कट दिए, हम पेशाब के रास्ते जाके अंदर से उसको स्टोन को निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर को URS बोलते हैं, यूरोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन। इसमें पेशाब के रास्ते जाके और अंदर से उस स्टोन को लेज़र से ब्रेक करके हम चूरा कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं।
अगर यही स्टोन किडनी के मुंह पर है या किडनी के अंदर है तो उसको भी हम अंदर से ही यानी कि बिना किसी चीरफाड़ के इवन छोटे से कट से लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और अंदर से ही हम जाके उसको निकाल सकते हैं। इस पद्धति का नाम है RIRS। हाँ, कुछ बड़े स्टोन्स हैं जो इस पद्धति से नहीं हो सकते, उस कंडीशन में हमें दूरबीन विधि से, लेकिन ये दूरबीन हमारी कमर के साइड से, यानी कि किडनी को हम एक छोटा सा पंचर करते हैं, उसको बोलते हैं PCNL, और जाके अंदर इस स्टोन को टुकड़े करके इन टुकड़ों को निकाल सकते हैं। तो ये तो थी सारी दूरबीन विधि। एक और तकनीक है जिसमें ना कोई कट होता है ना कोई ऑपरेशन होता है, बाहर से ही किडनों द्वारा करा जाता है, लेकिन बस उसमें कई बार ऐसा रहता है कि जो टुकड़े होते हैं वो निकलने के टाइम दर्द कर सकते हैं। इसलिए आजकल धीरे धीरे वो पद्धति ऑब्सोलीट हो रही है, और जैसे जैसे लेज़र विधि आई है सामने, तब से हम कोशिश ये करते हैं कि लेज़र विधि से ही इस रोग से छुटकारा पा सकें। अब बात आती है कि जो मैंने आपको बात बताई थी कि इसके मिथ यानी कि कुछ भ्रांतियाँ हैं जो इसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ये होती है कि हर दूसरा आदमी ये कोशिश करता है कि भाई एक दूसरे को सजेस्ट करता है कि किडनी स्टोन को कैसे ट्रीट करा जाए, और इसमें सबसे बड़ी भ्रांति है वो ये है कि लोग सजेस्ट करते हैं कि बियर पीना। ये बिल्कुल गलत है। बियर, अल्कोहल, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन की मात्रा को ज़्यादा बनाती है और नुकसान भी करती है। नुकसान इस तरह से करती है क्योंकि बियर के अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं, अगर कोई रेगुलर कंजप्शन करता है तो उससे उल्टा स्टोन्स बन सकते हैं। बियर इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन डिजीज़। अब एक और भ्रांति आती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। कई बार ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि तमाम चीज़ें, जैसे कि उन्होंने बीज वाली चीज़ें बता दी, टमाटर बताए और भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब चीज़ें लोग बंद कर देते हैं खाना। ऐसा नहीं होता है, कैल्शियम की चीज़ें बंद कर देते हैं। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि कुछ एक चीज़ें ज़रूर हैं जिसकी खाने से स्टोन की मात्रा या स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इसलिए सारी चीज़ें बंद कर देना बिल्कुल गलत है। कैल्शियम की चीज़ें जैसे दूध, दही, पनीर वगैरह होती हैं, ये नहीं बंद करनी चाहिए। मात्र 5% ऐसे लोग होते हैं जिनमें अगर हम कैल्शियम ज़्यादा खा रहे हैं तो जाके किडनी में कुछ जम सकता है। अदरवाइज़ 95% लोगों को ज़्यादा कैल्शियम या नॉर्मल कैल्शियम खाने पर कोई स्टोन नहीं बनता है, इसलिए कैल्शियम का रिस्ट्रिक्शन हम अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि नमक, जिसको टेबल सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट, वो ऊपर से खाने में ना खाया जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट का कंजप्शन होगा तो हम कुछ ऐसे बदलाव आते हैं किडनी के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए तो सोडियम का यानी कि नमक का। पानी की मात्रा रेगुलर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सुबह उठ के हमने 1 लीटर पानी पी लिया और शाम को 1 लीटर पी रहे हैं, दिन भर में पानी की मात्रा नहीं ली। रेगुलर वाटर इनटेक, थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हमारे स्टोन फॉर्मेशन की संभावना कम रहेगी। अब बात आती है हरी पत्तेदार सब्जियों की या बीज वाली सब्जियों की। जैसे अगर हम एक नियमित मात्रा में खा रहे हैं तो इसके इतने सेवन से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो हमारे शरीर में ऑक्सलेट्स, जो एक मुख्य स्टोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, जो बनता है, वो ऑक्सलेट्स हमारा लिवर अपने आप ही बनाता है। 80% ऑक्सलेट लिवर में बनता है, सिर्फ 20% हम जो बाहर से खाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ऑक्सलेट वाली चीज़ें टोटली बंद करना गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है तो उसको नियमित मात्रा में कर दें। रेड मीट, इसका सेवन कम करना चाहिए, और ख़ास तौर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, स्पेशली जंक फूड, जैसे हम बात करें जो बाज़ार में मिलते हैं, पैक्ड फूड मिलते हैं, या पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी कुछ और नूडल्स वगैरह, ये चीज़ें, इनका सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी होते हैं, ऑक्सलेट कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर हम खाने की बात करें तो मोटी मोटे अगर हम बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम पानी की मात्रा रेगुलर लें, कैल्शियम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और थोड़ा नमक कम लेना चाहिए। ये तो रही बात जिससे हम स्टोन से बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को भी स्टोन हो गया है तो उसका अगर हम वो तंग हमें कोई लक्षण दे रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी उपचार करें, क्योंकि अगर स्टोन हमारे किडनी से निकल के नली में फंस गया है और वो किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो दर्द कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उस स्टोन का बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही ट्यूब है जिसपे पूरी किडनी का यूरिन बाहर निकलता है। अगर उसका ब्लॉकेज हो गया है तो किडनी को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हमेशा जब कभी भी ये पता पड़े कि किडनी स्टोन से हम लोग ग्रसित हैं तो उसका इलाज यथासंभव डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और वो करवाएँ। धन्यवाद।